Hi guys, welcome to back to my channel and I am Shivdra and watch my video today now. तो गाइस देखिए हम लोगों का घुमानी क्षेत्र में धान मतलब कि उपजाव अच्छा हुआ है। पानी तो हुआ होता आसमान से धीमी गति से ही होता है, कभी कभी कब एक दो दिन तीन दिन बाद तो बोरिंग के कारण हम लोग के क्षेत्र में धान रुपाई बहुत अच्छा मात्रा में हुआ है। देख सकते हैं ये सब पूरा धान लगा हुआ है चारों तरफ, देख सकते हैं। और ये घर बनाया हुआ है, ये बोरिंग का घर है, पानी का बोरिंग, इसी बोरिंग से ही के जरिए पानी खेतों में सिंचाई करके धान रुपाई किया गया है, अब देख सकते हैं। और ये है पटुआ जिससे रस्सी बनता है, उसे पटुआ कहते हैं। अभी कटाई नहीं हुई है, काटेगा। और धान हम लोग का अब कि भगवान चाहे तो बहुत ही सुंदर हुआ है, देख सकते हैं। ये है दरवाज़ा बोरिंग का और ये है पाइप, देख सकते हैं। धानों के खेत में भी छाया गया है। अभी हम धानों के खेतों की तरफ सैर करने निकल चुके हैं मॉर्निंग मॉर्निंग में, तो देखते रहिए हमारे वीडियो में और बना रहिए। बहुत ही अच्छा अच्छा नज़ारा सैर करवाएंगे। खेतों में पानी नहीं है, पानी नहीं होने के कारण धान थोड़ा धीमी गति से बढ़ रही है। आसमान अभी बादल छाया हुआ है, हो सकता है पानी बरसने वाली है, तो देखते हैं पानी कब तक बरसेगी। और ये है महकवा धान जिसे हम लोग मेही धान कहते हैं, बहुत ही अच्छा मात्रा में हुआ है और कलर भी बहुत सुंदर ब्यूटीफुल है, रंगीन। और इधर है जो है सरना धान जो कि इसका चावल बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, देख सकते हैं हम हमारे वीडियो में बना रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक। और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल का घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलो अभी देखते हैं उधर धान कैसा हुआ है नहीं हुआ है, देखेंगे। तो वीडियो में बना रही है मेरा।